आम्रपाली एक बहुत ही बड़े स्केल पे बनने वाली फिल्म है, जिस तरह की अभी आप लोगों ने रिसेंटली बाहुबली देखी और जुरैसिक वर्ल्ड हॉलीवुड की फिल्म देखी, और उसमें एक बहुत बड़ा ग्रैंजर था। जैसा कि आम्रपाली एक ऐतिहासिक कहानी है और एक बहुत बड़ी डांसर की कहानी है, और ये फिल्म जो है फिर से एक बार बहुत बड़े स्केल के ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि टेलीविज़न में बहुत कुछ देखने के बाद अशोका द ग्रेट और महाराणा प्रताप और देवों का देव महादेव जैसे धारावाहिक, बड़े बड़े धारावाहिक देखने के बाद मुझे लगता है कि लोगों को घर में बैठने की आदत पड़ गई है। अगर घर से बाहर निकालना है तो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कुछ इस तरह का क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जिस तरह हॉलीवुड में क्रिएट हुआ है कि जैसे जुरैसिक वर्ल्ड जैसी फिल्में सुपर डुपर हुई हैं विजुअल्स की वजह से। और आज बाहुबली इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है विजुअली, और मैं ये कहता हूँ कि आम्रपाली भी उन्हीं उसी श्रेणी में से एक फिल्म साबित होगी। मेरी एक बड़ी अच्छी सी भूमिका है। देखिए इसके अंदर बहुत सारे बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे आपने बाहुबली में भी देखा होगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। किसी एक हीरो हीरोइन तो डेफिनेटली फिल्म के मुख्य पात्र होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक सपोर्टिंग कास्ट होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरह का एक पात्र मेरा भी उसमें से है, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और थोड़ा सा अलग हटके है, जो मैं अपने धारावाहिकों में नहीं कर पा रहा हूँ, शायद वो फिल्म में करने को मुझे मिलेगा, वो सौभाग्य। मेरे ख्याल से उसकी इसी महीने पहला शेड्यूल शुरू होने वाला है आम्रपाली का, और ये फिल्म जो है लगभग 6 महीने के अंदर इसके स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह के लिए फॉरेन के टेक्नीशियंस वगैरह बुलाए गए हैं जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और एक बहुत ही भव्य स्केल के ऊपर बनाने का प्रयास किया जा रहा है आम्रपाली। थैंक यू। देखिए आम्रपाली एक एपिक फिल्म थी जो पहले बनी थी, और ये एक पीरियड फिल्म है, और जो एक फिल्म इसके पहले बनी थी जिसकी रीमेक है, ये बहुत बड़े पैमाने पे हिट हुई थी, और इस फिल्म का एक भाग या पार्ट होना, एक इसमें किरदार निभाना मेरे लिए इस सॉर्ट ऑफ ऑनर फॉर मी। और जिस तरीके से आजकल फिल्में बन रही हैं, टेक्निकली वेरी हाई टेक फिल्म जैसे कि बाहुबली, तो उसी टाइप की, उसी लेवल पर फिल्म जाएगी, उसी तरीके के टेक्निकल इसमें ग्रैंजियर्स आपको दिखेंगे, तो मुझे लगता है ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ बिग गुड पैकेज फॉर ऑडियंस। जनरली जो भी फिल्में मैंने की है उसमें आपने मेरे किरदार अगर देखे होंगे तो छोटे बड़े जो भी होते हैं इंटरेस्टिंग होते हैं, तो वैसे इसमें भी एक किरदार जो मैं निभा रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है सेठी पुत्र, और ये मतलब हीरोइन जो आम्रपाली है उसके घर पे, उसके पास आना जाना है इसका, इसके कारण इसके घर में तान तनाव बढ़ते हैं, और स्टोरी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इनके कारण पैदा होती है। देखिए जैसे मैंने कहा कि पहली आम्रपाली जी जो बनाई थी वो लेक टंडन जी ने बनाई थी, और वो एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में कुरुक्षेत्र करके जो सीरियल थे उसके थ्रू मुझे एंट्री दिलाई थी इस लाइन में, जो गोविंद नीलानी जी, और इनको मैं मेरे अपने गॉडफादर मानता हूँ, तो उनकी ये फिल्म तो थी और ये काफ़ी बड़ी हिट थी, तो आई ऑलवेज हैड अ वेरी ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दिस फिल्म। और जब मैंने सुना और जब मुझे पता चला कि बेदी जी जो प्रोड्यूसर हैं और अतुल गर्ग जी जो डायरेक्टर है इसको काफ़ी बड़े ग्रैंड स्केल पे बनाने जा रहे हैं, तो आई टुक द सब्जेक्ट। थैंक यू। जो भी जनरली जो भी किरदार मैंने निभाया आज तक, वो कुछ ना कुछ टर्न स्टोरी में लाते हैं, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, मतलब कोई भी फिल्म लीजिए आप, फरेब लीजिए, विरासत लीजिए, फिर हेरा फेरी तक देवदास, भले रोल बड़ा हो या छोटा हो लेकिन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर करता है, तो ऐसे ही इस फिल्म में भी एक कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू। तुम टीचर की तरह पूछ रहे हो, देखो प्यार से कैसी आवाज आई, ओ भाइयों मेरी जान, टेरर कैसा लगा,
प्यार से राज दिलों पे किया जाता है, घरों पे नहीं। दिल पे राज करोगी जैसे मैं बलदेव सिंह बेदी जी के दिल पे राज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इन आदमी को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि लोगों को मतलब एक फिल्म मिलने में काफी वक्त लगता है, इन्होंने मुझे दो दो ईदी पे फिल्म दे दी माशाल्लाह। वरना इनको हमेशा हमेशा ऐसे प्रोड्यूसरों की बहुत जरूरत है, वरना कॉर्पोरेट ने तो वाट लगा दिए यार। दिस इज स्पेशली फॉर कॉर्पोरेट के जो लोग कॉर्पोरेट में फिल्में बना रहे हैं, जो बैठ रहे हैं उनको फिल्मों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब ये मैं कहूंगा तो लोग बोलेंगे कि ये पब्लिसिटी के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं ये सच बोल रहा हूँ। मतलब 100 करोड़ में आप बॉम्बे वेलवेट बना रहे हो, मैंने 1 करोड़ में लकीर का फकीर उससे अच्छी बनाई थी। तो क्या होता है कि घोड़ों को नहीं मिलती घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऐसे प्रोड्यूसर्स जो पुराने हैं, जैकी श्रॉफ का ऐसा बैग करके हीरो लॉन्च हुआ था, किसी को पता भी नहीं था हीरो है कौन, लेकिन फिल्म सुपर हिट हुई। क्यों? क्योंकि बिलीव था, जैसे इनको मुझ पे बिलीव है, बलदेव सिंह बेदी जी को, मेरे डायरेक्टर्स हरीश और संदीप, लोगों को ऐसा लगता है मेरे साथ काम करना बहुत मुश्किल है, इससे काम कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझसे आप काम तब करा सकते हो जब आपको काम आता हो, जब आपको ही नहीं आता मुझसे कैसे कराओ यार, है कि नहीं हरीश? प्लीज कम हरीश, संदीप और बलदेव सिंह बेदी जी की एक और खासियत है, ये जब प्यार करते हैं तो बेइंतहा करते हैं। मतलब जिस फिल्म में मेरा रोल नहीं है उसमें भी डरवा दिया है, बोले यही करेगा वरना पिक्चर नहीं बनेगी। अतुल जी सॉरी, ये इनकी मोहब्बत है, पर आपको अच्छा विलन मिल गया, इससे अच्छा विलन आपको गब्बर के बाद तो कोई नहीं मिल सकता। और यहाँ पे जितने लोग आए हैं, लेख टंडन जी और गोविंद नामदेव जी, मिलिंद गुना जी, इनके साथ में मैंने पहली फिल्म किया था, मेरी फिल्म का नाम था पथ। और आज भी मेरे को याद है कि मेरा पहला सीन था, गोविंद जी को अगर याद हो तो, कि मुझे उनका गला पकड़ना था और उनपे खंड रखनी थी। अरे मैंने बोला सत्या का भाव इस पे गन कैसे रखेंगे भाई, लेकिन गोविंद जी ने मुझे एक बात बोली कि बेटा आ जा, पकड़ ले मेरा गला और रख दे सामान। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। मिलिंद जी थैंक यू सो मच फॉर इंक्रीजिंग मी एंड मेरा पावर बढ़ाने के लिए। आज देखो आपके सामने हूँ सर, स्टिल आई एम देयर, योर लव योर ब्लेसिंग स्टिल आई नीड, प्लीज ब्लेस मी। एवरीबॉडी हियर, आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है यार, ये लोगों के मुझ पे जलने से मेरे चेहरे पे मुझे नूर नजर आता है, और लोगों की मुझ पे दुआएं आती है तो मेरे चेहरे पे मुझे और भी नूर नजर आता है। तो दुआएं बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कि मैं ये कहूंगा कि मेरी किस्मत से जलना छोड़ दो, मैं घर से दवा नहीं माँ की दुआ लेके निकलता हूँ, और मेरी खुशियों के लिए भी दुआ मत करना, क्योंकि मैं तो वो हूँ जो खुशियां भी बांट दिया करता हूँ। तो लव डे में मैं सिर्फ खुशियां बांट रहा हूँ। हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में एक दोस्त होता है जिसकी वजह से हमारे लग जाते हैं, बहुत बुरी तरह से लगते हैं। मतलब माँ बाप बोलते हैं इसके साथ घूमना मत, स्कूल की टीचर बोलती है इसके साथ बैठोगे तो जिंदगी में कभी पास नहीं होगा, मतलब मोहल्ले के लोग बोलते हैं अगर ये मोहल्ले में आया ना तो तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा। वो दोस्त मैं हूं, और मेरे जो अच्छे दो दोस्त हैं, जो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, मतलब एक ने तो एड में ये कर दिया है कि उसके बिना एड बनाते ही नहीं है लोग, मैं जो टीवी चालू करूं उसकी एड आती है यार। मैंने क्या हो गया रहा भाई, सोनम कपूर के साथ ये, श्रद्धा कपूर के साथ ये, जितनी भी कपूर है सब इसने ले दी, मेरा क्या हो गया? तो मैं बुलाना चाहूंगा मेरा दूसरा हीरो जो खतरनाक आदमी है, और इसको मैं अभय देओल से भी ऊपर मानता हूं, क्योंकि ये ऐसा एक्टर है जो टेक में कुछ और करता है, रिहर्सल में कुछ और करता है। मैंने कहा वाह बेटा, अभी तो रिहर्सल में तूने ये किया था, बोले टेक में इंप्रूव कर दिया भाई। और हमारे दूसरे हैं साहिल आनंद जी, मतलब ये तो ऐसे है कि इनकी शक्ल दिखा के आप किसी भी लड़की को बोलो मुझसे शादी करेंगे, हाँ बोल देंगे, मना नहीं करेंगे। तो इस फिल्म में हमारे डायरेक्टर ना बूफे लेके आया है, एक बोले तो हॉट राउडी, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही प्यारा, और एक बहुत ही इसकी शक्ल देखा कि लड़कियों को बेवकूफ बना सकते हैं। प्लीज वेलकम मेरे दो और हीरो साहिल आनंद एंड हर्ष नाथ। अभी रोशनी देखिए, अब इनकी मेरी तबीयत खराब है, इनकी वाइफ डॉक्टर है, प्लीज आपके वाइफ को बुलाइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा अब मैं माइक इनको दूंगा, आप देखो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया, आप आते रहते हो, ये कोर्ट में रहते हैं।
टुडे वी हैव द म्यूजिक लॉन्च एंड व्हाट डू आई से आई मीन मेरे पास एक स्क्रिप्ट आई थी जो कि मैं शायद पहली बार मिला था सबको और आई रेड थ्रू इट तो देखा बचपन से शुरू होती है आगे जाती है जाती जाती है तीन उसकी कहानी है 17 साल की स्टोरी है सर वो लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये था कि इसको पता चला एजाज खान ने फट से फिल्म साइन कर दिया मैंने बोला डबल दूंगा डबल एक फिल्म कर देंगे एक एजाज के साथ फिल्म कर देंगे लेकिन लेकिन जो मजा मैंने इनको दिया है मानते हो नहीं ये बात है कि आपने भी यही सबकी तरह सुना था कि एजाज का बहुत एंडम चाहिए है, वो है मगर आई स्वेयर इसके काम करके आप ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा इंसान ही नहीं है कोई सीरियसली मैं इनसे सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा क्योंकि पूरी फिल्म करी हमने इनके साथ है अब हमारी भाई जैसा रिश्ता है मतलब हैरी के साथ भी ऐसा ही है और बेटी सर तो पंजाब से मेरे ऐसी डैडी जैसे मेरे बहुत झूठ बोल रहा है लड़कियों के साथ पार्टी करता है अकेले करता है अरे भाई मानता है तो मुझे भी बुला ले यार भाई के पास आगे भी लड़की है यार मेरी भी वो भी ले लेगा इसलिए मैं इसलिए नहीं बुलाता मैं एक और आदमी जिसने तीनों को बहुत हैंडसम दिखाया है मैं आई एम सॉरी आई कैन नॉट फॉरगेट हिम बिकॉज आई कैन नॉट लुक एज गुड एज आई एम लुकिंग इन द फिल्म विदाउट दैट मैन जो लाइट को इस्तेमाल ही नहीं करता है सूरज को यूज कर लेता है और प्रोड्यूसर के पैसे बचाता है उस आदमी का नाम है आमिर प्लीज 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 वेलकम मैन इन्होंने भी मतलब कमाल कर दिया है लुंगी फाड़ के रुमाल कर दिया है बोलता रहूंगा सर आपके चेहरे में इतनी लाली कैसे आ गई है यहां पे कोई लाली भी आई है क्या लव डे ये प्यार का दिन है लेकिन इनके साथ काम करके जो मजा आता है ना ये आते ही नहीं है सेट पे सिर्फ पैसे देने आते ओनली कम गिव मी मनी मैंने सर कितना है 5 पेटी लाओ सर कितना है 3 हजार लाओ कितना है अरे लाओ ऐसे सर मिले तो फिर क्या चाहिए अपने लेकिन एज पैशनेट एज सुभाष भाई अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो फिल्में बनाते हैं बजट बहुत कंसर्न करता है लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पेशेंस से फिल्में बनाते हैं तो बजट जहां तक सवाल है वो अपनी जगह है लेकिन मैंने जो भी आज तक काम किया या जो भी मैं कर रहा हूँ ये मेरा पैशन है और मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने सीन हुए कितना काम हुआ मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है कितने का होता है कब होता है और मैं उसको कैसे रिलीज करता हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या बात है वहाँ पर मुझे एक और बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर जिनका नाम है सावन कुमार जी सावन के बाद लो क्या बात है शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आए इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है लव यू सर मैं हमेशा आई विल बी ए सुपरस्टार इंशाल्लाह ताला मैं हमेशा चाहता हूँ सारे मेरे डायरेक्टर सारे सीनियर्स का सीन ऐसे आगे होना चाहिए चाहे मैं सुपरस्टार बनूं मैं आप लोगों के पीछे बैठना चाहता हूँ हमेशा And I will change that, inshallah, sir. Thank you so much. Music release करेंगे एक बार music के पहले एक बार और promo में आपको दिखाना चाहूँगा please. अनिल शर्मा जी आए क्या? कहाँ हैं? बोले बोले बोले. Sir, sir. अरे sir. अरे sir अपने तो अपने होते हैं sir stage पे. अपने तो अपने होते हैं sir. अपने होते हैं. Please आइए. I think everybody should come on the stage, sir. सावन जी, मिलिन जी, please. नहीं sir आइए ना sir. Sir please आइए. Sir please. सर प्लीज मेरे साथ एक एक्शन फिल्म सर प्लीज आइए ना मिलिन जी थैंक यू सर थैंक यू ब्लेसिंग कम ओवर प्लीज सर क्या हो रहा है सर सर ठीक ठाक है आप आएंगे तो सारी लड़कियां भी आ जाएगी इसके आप बैठिए लेक जी प्लीज कम ऑन द स्टेज सर और हमारे एक बार डायरेक्टर मैं आम्रपाली में भी हूँ तो अतुल गर्ग जी आप भी आइए प्लीज आइए मेरी माँ नहीं आई भैया आए कि नहीं हाँ अरे जरूर मिलाऊंगा मिलोगे तो घर पे आ जाओ सर और सर प्लीज दिस इज इट वो लगे लावे हर दिन लगे ला कितनों के लगे आज
हनीस बासवी जी आने वाले थे, वादा करके मान रहे। मीडिया वाले सुन रहे हो ना, मेरे भाई ने मुझे ईद देने का वादा किया था। सर प्लीज, मेरे सारे बड़े लोग ही बोलिए सर, अब प्लीज दिल से दुआ करिए प्लीज। अरे बल्लो जी, अरे प्लीज सर, हाँ भाई बहुत मेहनत किया तुम लोगों ने। इसको बुलाओ सर। हाँ Ladies and gentlemen, please put your hands together and now the party guys. Dave Namba. Yeah, Dave Namba has a lovely presenting the music launch here tonight. Excusing it for you guys. ऐसे वो मेरे गुनाहों को धो देती है, जब मैं गुस्से में होता हूं मेरी माँ धो देती है। एक और माँ तो आई गए, किसी की तो है। मेरी माँ है, आई आई लव यू दादी जी। प्लीज दादी जी मुझे दुआएं दीजिए कि सारे खान सो मच। अभी हम लोग चाहते हैं एक बार और अनिल शर्मा जी से।
रोज एवर राइट एट अस मैडम प्यार नहीं है तो क्या है आपका नाम क्या है बस मोनिका ओहो एक वो मोनिका थी डॉन में बच्चन साहब के एक ये हमारी है मोनिका जी वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही है आपका नाम क्या है क्या करेंगे आप उसके बाद जो आप नहीं जानते या जानते हैं पठान छींकते हैं तो कहाँ तक आवाज आती है देखिए कहाँ छींकते हैं पार्लियामेंट में आती है अच्छा सभी मैं देखना चाह रही थी कि यहाँ वाले लोग उनकी आवाज आ रही थी वहाँ वालों की नहीं लोगों को दारू वारू नहीं पिए थोड़ा अभी इनको एक घंटे के बाद पूछेंगे तो सब चिल्लाए नहीं नहीं फिर नहीं पूछेंगे तो भी चिल्लाए फिर तो इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा चलिए तो ये है हमारा दूसरा गाना बजेगा मैडम रुकिए अभी आपका बर्थडे खत्म नहीं हुआ एक सेकंड Thank you.
सर दोनों जी यहाँ पर सर सर यहाँ पर सर भाई बाकी लोग भी घूम पर हमारी सीरियस में इसको देखते हैं इस तरीके की फिल्म लोगों को पता लग रहा है फिल्म के बारे में जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो मैं तो इनवाइट करूँगा कि बाकी लोग भी चलती हुई ट्रेन में जरूर गौतम बुद्ध की तस्वीर देखना आम्रपाली और गौतम बुद्ध बिल्कुल जुड़े हुए क्या ये कह सकते हैं कि आम्रपाली गौतम बुद्ध से जुड़ गए और जो लोग भी गौतम बुद्ध से जुड़ जाते हैं आप जानते हैं कि लोग उनका महत्व बढ़ जाता है आपने क्या किया पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हमेशा से है जहाँ राजनीति होती है वहाँ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ होती हैं वो उस समय भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ थी और ये जो फिल्म है ये सारे जो एस्पेक्ट आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है पेट्रियोटिज्म है और लव है एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड है ये सारे एस्पेक्ट्स को लेके एक जो उसमें शायद आपने ध्यान दिया एक कॉकटेल मिक्स्ड विद कॉकटेल तो ये जो बनाया जा रहा है कॉकटेल हमने इसलिए कहा था मनोरंजन में जब हम बात करते हैं तो कॉकटेल है और जब डिटैचमेंट की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज इस फिल्म के बारे में देने की स्थिति स्टडी किया है तो मैं इस बात से प्रभावित हूँ कि महात्मा बुद्ध ने एक स्त्री को एक सम्मान दिया उसको एक सोसाइटी में जगह दी उसके लिए संघ के कुछ पक्ष में लोग थे कुछ विपक्ष में थे उसके विपरीत उन्होंने जो है एक नए संघ के लिए की स्थापना की और एक स्त्री का सम्मान एक पात्र का सम्मान जो एक गुरु का हमेशा दायित्व होता है तो जो उसको एक स्थान दे तो वो मैं उस बात से बहुत प्रभावित हूँ कि महात्मा बुद्ध जो थे वो इस बात से मतलब मुझे बहुत आकर्षित करते हैं जी आपसे जानना चाहेंगे विनोद जी को कितना इजी या डिफिकल्ट था कन्विंस करना कह सकते हैं असल तो क्योंकि उनका जो जीवन पिछले वर्षों का रहा है वो अध्यात्म की तरफ इतफाक था बाकी चूँकि कोई भी फिल्म का निर्णय बड़ा एक्टर लेता है तो उसमें बहुत सारी बातों का उन्होंने विश्लेषण करते हैं विचार करते हैं और हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए अपनी हामी दी और आज वो सही जिनल पंड्या इसको प्ले कर रहे हैं जी हमें लगता है जिनल पंड्या जो है वो एक अपने आप में एक पर्सनैलिटी है जो चैम्पियन मिस इंडिया 2011 रह चुकी है और अपने आप में उनका एक संघर्ष रहा है बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से हमने चूज किया है कि वो इस रोल में एकदम फिट बैठ गए सर अगर ये बहुत कम लोगों के पास ऐसा करेज होता है कि वो एपिक्स पे ध्यान दें तो आप किससे इंस्पायर्ड हैं इंडस्ट्री इंस्पिरेशन की बात करें तो हम मुगले आजम को लेते हैं जी चूँकि उन्होंने भारत में एपिक बनाने की शुरुआत वहीं से होती है और सभी लोग शायद मुझे लगता है वहीं से प्रभावित हुए हैं तो मैं हम भी वहीं से प्रभावित हो रहे हैं वहीं से इंस्पिरेशन ले रहे हैं सो अगर बात करें सब्जेक्ट की सर ये जो सब्जेक्ट है आपका इस पर तो बहुत ही सावधानी से आपको काम करना पड़ा होगा तो कितना ये ख्याल था कि भाई किसी रीजनल को हर्ट ना हो किसी 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 के भावनाओं को हर्ट ना हो इस चीज़ों का कितना ख्याल रखा आपका इसका पूरा ख्याल है जी ये धार्मिक तो हम कोई बात कर ही नहीं रहे हम जो बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की बात
स्पिरिचुअलिटी जो है वो हर धर्म से ताल्लुक है, क्योंकि हर धर्म के अंदर एक स्पिरिचुअल एंगल होता है, स्पिरिचुअल आस्पेक्ट होता है। तो स्पिरिचुअल आस्पेक्ट हम में ले रहे हैं, फिलोसॉफिकल आस्पेक्ट हम ले रहे हैं, और धर्म को तो आहत होने की इससे कोई आवश्यकता नहीं जी। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें ट्विस्ट कहाँ और कैसे क्या देखने मिलेगा अलग और फिल्मों से? इसमें ट्विस्ट ये देखने को मिलेगा जी कि दूसरी फिल्मों तो एक ढर्रे पे चल रही है। आप दो तीन फिल्में देख लीजिए फिर आपको लगेगा कि अब चौथी फिल्म और क्या देगा। और ये फिल्म आज के दौर में बनाई जा रही है, आज के जो ऑडियंस है उसको ध्यान में रख के पूरा तैयार किया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी बात होगी खुद अब आप जो देख रहे हैं पोस्टर पे तो कितने आस्पेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है 5-6 आस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं। पेट्रियटिज्म है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, खाली पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, और आप देख रहे हैं हिस्ट्री है, लव है एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। एक तरफ हम लव कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो इतने सारे आस्पेक्ट को जब हम लेते हैं तो इसकी तो उपमा हम ये कह सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो किसी फिल्म से न लेके महाकाव्य, किसी महाकाव्य से उपमा लें तो ज़्यादा उचित लगेगा, क्योंकि महाकाव्य होते हैं उसमें बहुत सारे पात्र ऐसा लगता है कि सारे पात्र जो है उसके मुख्य कर्णधार होते हैं, पूरे काव्य को के उनके कंधों पर चल रहा होता है। इस तरीके से आम्रपाली फिल्म इतने सारे आस्पेक्ट्स को लेकर चल रही है, तो मैं तो क्षमा करें आप लेकिन हिम्मत करके इस बात को कहूँगा कि इसकी अगर आपको तुलना करनी है तो फिल्म से आप न करें। जो ये कल को फिल्म आएगी तो इसकी तुलना महाकाव्य किसी महाकाव्य से होगी, आम्रपाली एक नया महाकाव्य लिखा जाए ऐसी हम उम्मीद करते हैं। देखिए महाभारत बना, रामायण बना, तो ये आपको लगता है एंटरटेनिंग थे या नहीं थे? एंटरटेनिंग का पैमाना जब आप देखते हैं तो सारे लोग, जिस समय महाभारत चल रहा था या रामायण चल रहा था तो आप जानते हैं कि उसके टी आदमी क्या क्या स्थिति थी, वही आम्रपाली के साथ होने जा रहा है। वो दौर ये तो एक्चुअल फैक्ट है, व्हेन वी से अबाउट हिस्ट्री तो हिस्ट्री इज एक्चुअल फैक्ट। आम्रपाली जो है इज नॉट ए माइथोलॉजिकल, दिस इज ए हिस्टोरिकल फिल्म। जबकि रामायण और महाभारत के बारे में हम कह सकते हैं कि वो माइथोलॉजिकल बातें हो सकती हैं, वो एक डिफरेंट बात है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हम आम्रपाली की बात कर रहे हैं ये तो एक हिस्टोरिकल बात है, ये माइथोलॉजिकल बात नहीं। बहुत बड़ा कैनवास होना चाहिए, कैनवास किस तरह का रहेगा, किस तरह की फिल्में जो होती हैं उसका कैनवास का लुक बहुत बड़ा होना चाहिए, वो फील आना चाहिए। कैनवास तो स्वाभाविक तौर पर बड़ा होगा ही, इतनी सारी चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं, इतने सारे करेक्टर्स हैं, तो कैनवास बहुत बड़ा आपके सामने बार बहुत बड़ा है हो गया है। बाहुबली अभी लास्ट आपने देखी हो, बहुत बड़ा बार है, बार को खोलना कितना आसान होगा आपके लिए? कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं कुछ कंपैरिजन नहीं है, और हम लोग उस बात के मद्देनजर जो है वो मतलब अपने आप को रखेंगे कि हम कंपैरिजन में ना रहते हो, दी बेस्ट जो पॉसिबल है वो दे सकते। किसी रीजन की वजह से ये टाइम जो है इतना लेट आया, अदरवाइज हमने इसको इसकी तैयारी बहुत पहले कर ली और ये करने का सौभाग्य जो है कभी हमको रोका नहीं है किसी भी चीज़ में, जो उनको करना था एज डायरेक्टर जो हमारी रिक्वायरमेंट थी सारी बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से डायरेक्टर को और कुछ चाहिए नहीं होता है, प्रोड्यूसर का अगर सपोर्ट मिले इसी तरह तो उसके उससे बड़ी बात कोई होनी चाहिए।
मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट चीज़ यही थी अभिजीत जी का सपोर्ट। देखिए कास्टिंग तो हर फिल्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत अच्छे से होनी चाहिए वरना फिल्म काफ़ी सीरियस नहीं बैठ जाएगी। और मेजाज ने जो रोल प्ले किया है फिल्म में जैसा वो रियल लाइफ में वैसा ही वो स्क्रीन पे है, कोई खास दिक्कत नहीं हुई हमें ये कास्ट मतलब पर्टिकुलरली उसको एक रोल में बिठाने के लिए, वो जैसा नेचुरल था वैसा ही वो स्क्रीन पे है। ये तो उनका पहली बात तो टाइटल लव डे प्यार का है और दूसरी बात ये कि लव डे को हम हमेशा एसोसिएट करते हैं वैलेंटाइन डे को लड़की के साथ, एक लड़का लड़की में प्यार होता है बट ऐसा नहीं है। लव डे मतलब प्यार आपका किसी से भी हो सकता है, माँ बेटा भाई बहन, और इस केस में दोस्तों के बीच में प्यार है। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो 14 फिल्म से रिलेटेड है तो इसीलिए ये टाइटल। व्हाट हैव यू से अबाउट द फिल्म एक्शन द फिल्म टॉकिंग अबाउट द टाइटल एंड द फिल्म लव डे। देखो प्यार जो होता है वो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं होता, नीचे प्यार दोस्तों में होता है, वैसा ये दोस्तों के बीच में ऐसा प्यार है कि आज का जो प्यार है वो दोस्ती की जाती है बैंक बैलेंस देख कर। हम ये दिखाया जाते हैं कि बैंक बैलेंस नहीं, दिल में जागो, दिल से दोस्ती करो, इस पर ये फिल्म बेस्ड है लव डे। आज इसका म्यूजिक लॉन्च है, म्यूजिक के बारे में जानना चाहेंगे किस तरह का म्यूजिक है और कितना रोमांटिक है या इसमें और सब तरह के म्यूजिक है, एक तो रोमांटिक भी है, एक आइटम सॉन्ग भी है, एक दोस्ती के ऊपर सॉन्ग है। वो ज़माने में एक बहुत अच्छी दोस्ती पे एक फिल्म मतलब गाना बन रहा है कि फिजा एक हिस्सा बदल जाएगी, ये मौजे मस्ती बिगड़ जाएगी, एक लेकिन दोस्ती हमारी जो है हमेशा रहेगी। इस तरह के बहुत बढ़िया सॉन्ग बनाया है सागर जी ने, दो गाने मिका ने गाए हैं और एक मोहित चौहान साहब ने गाया है, एक शान ने गाया है। वी हैव बिग सिंगर्स आल्सो विद दिस। यहाँ पे आप एक स्क्रिप्ट को चुना, फिर आपने प्यार भरी कहानी, तो आपको क्या लगता है कि जो माइंड सेट आपका है वो किस तरीके का है, कैसे आप इतना डिफ्रेंशिएट सब्जेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं? एंटरटेनमेंट की दृष्टि से दोनों फिल्मों का लेवल पर उसका मात्रा है और मैंने इसलिए चुना इसको क्योंकि लव डे एक दोस्ती के एंगल से बहुत ही मतलब जो है ऐसा सब्जेक्ट मुझे मैंने जो सुना हरीश और संदीप से जो राइटर हैं डायरेक्टर भी हैं, तो मैं मुझे ऐसा लगा कि इस सब्जेक्ट पे मुझे फिल्म इमीडिएट बनानी चाहिए और मैंने वो काम किया। और रहा सवाल अमरपाली का, तो अमरपाली मैंने पहले भी देखी थी, पंडित साहब मेरे मित्र जो हैं उन्होंने बनाई थी, मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था उसका म्यूजिक, उसकी जो लव स्टोरी थी वो आज भी मैं उसका म्यूजिक सुनता हूँ, मैं आज भी बहुत उसको जो है फील करता हूँ और वो मेरे बहुत दिल के करीब होने की वजह से वो एक मेरा पैशन था कि भी मैं कभी ऐसी भी फिल्म बनाऊँ जब मैं कम्फर्टेबल हूँ, तो वो मैंने मतलब जो है चांस ले लिया यूँ कहूँ ऐसा कह सकता हूँ। तो वो मैंने शुरुआत की, उसका भी म्यूजिक कर चुका हूँ, उसकी कास्टिंग कर चुका हूँ, उसका उसकी फिल्म की शुरुआत कर सकता हूँ, कर चुका हूँ, पूजा कर चुका हूँ और आज फर्स्ट लुक लॉन्च का एक अवसर भी साथ साथ मिल रहा है। थैंक यू, आप लोगों के सपोर्ट से तो मैं डे में मेरा किरदार एक बहुत ही कमीने दोस्त का है मोंटी, जिसके वजह से इंसान को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उसका प्यार बोले तो खतरनाक साबित हो सकता है लेकिन एंड में वही बचाता है। तो हर फ्रेंड कमीना होता है, कमीना नहीं है तो फ्रेंड नहीं है, मतलब ये समझ लो आपके कभी लगे आपके फ्रेंड की वजह से, फिर मतलब इसके वजह से पूरी फिल्म में लोगों के लग जाते हैं क्या लग जाते हैं वो तो लव डे लव डे। वो आदमी प्यार करता है उसको भी लग जाते हैं लगते कि नहीं, इसलिए हमने हमारा गाना भी है उसमें हमने प्रूव कर दिया। आपकी लगी कि कहीं कभी लाइफ
दाग मेरे लग गए भाई। सुबह में सिरकुरमा पिया, नमाज पढ़ के आया, सोया, उसके बाद से होता हूँ वॉमिटिंग हो रहा है बहुत सारा, तो लग गए ना बहुत तबीयत के लग गए भाई। नहीं कर पाऊंगा ना आज मेरा भाई, मैं यहाँ पे खड़ा कैसा हूँ, मेरा दिल जानता है। ओ दुश्मनों, मेरी किस्मत से चलना छोड़ दो, मैं घर से दवा नहीं माँ की दुआ लेके निकलता हूँ। हॉलीवुड में मेरे कोई दुश्मन है ना भाई, अब कौन है दुश्मन बताओ, तो मान नहीं डाले उसको। कोई परेशान तो नहीं कर रहा यार, कपिल के साथ बच्चा है छोटा पूछ रखे, हीरो वीरो के बन गया, अच्छे से फिल्म निकल जाए। सर कैमरा लुक तरह का म्यूजिक है, कितने सॉन्ग आप पर फीचर है, किस तरह के सॉन्ग? सब सॉन्ग में मैं हूँ, क्योंकि नहीं सुन फिल्म का अलहमदिल्ला। गाने सब डिफरेंट है, दोस्ती पे गाना है, भैया दारू पे गाना है, आइटम सॉन्ग है। एजाज खान की बात करें तो इस फिल्म में एजाज खान दर्शकों को क्या कुछ नया देने वाले हैं? इस फिल्म में बहुत कुछ नया है, इसमें मैं दर्शकों को बहुत मेहनत देने वाला हूँ, मेरा दिल देने वाला हूँ, हीरो बन के आ रहा हूँ, जो उनकी उम्मीदें थे वो पूरी हो रही है। लफ्टे हैं, प्यार का दिन है, मुझे इनका सपोर्ट चाहिए, मीडिया का सपोर्ट चाहिए, स्टारों को तो आप लोगों ने बना दिया, हमारे लिए भी कुछ करो, हमारे लिए आप लोग जाओगे टिकट लोगे तो हम भी 300 करोड़ का बिजनेस ले सकते हैं, सब आपके हाथ में, आप चाहे उसको सलमान खान शाहरुख खान बना सकते हैं, आई प्रॉमिस यू। यू हैव वेरी गुड वॉइस, हैव यू कभी ऐसा सोचा है आपने कभी ऐसे अच्छा आइडिया, उन्होंने कहा है कि कोई गाना भी फिल्म में सिंग अ सॉन्ग? नहीं अभी तो नहीं, फिलहाल फिलहाल नहीं, आई विल इंशाल्लाह सिंग सून व्हेन ऐसा गाना होगा जो मेरे में सूट भी कर रहा हो और मेरे आवाज़ पर मैच भी हो तो मैं गाऊँ। कहा है कि फिल्म में बहुत रियलिस्टिक टाइप है, जैसे जिस तरह के आप रियल में हो, जैसे लोई सर लो मेरी फ्रैंक के रोल, उस तरह का किरदार है? हाँ रियलिस्टिक किरदार भी है, और मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही दोस्त हूँ, आधी रात को आपके घर पे आके आपको हेल्प कर सकता हूँ और आपके लिए किसी को खोड़ भी सकता हूँ। हाँ आम्रपाली में भी मैं हूँ, मेरे अलावा कोई फिल्में नहीं बनाएंगे बलदेव सिंह बेदी जी, तो ये चक्कर। थैंक यू सो मच।